देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। मैं शिवानी आपके साथ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र द्वारा स्वीकृत की गई जेड प्लस सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया। इस बात पर उन्होंने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा। केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखे गए पत्र में सीएम ने पंजाब और दिल्ली की सुरक्षा लेने से इनकार करते हुए कहा कि इन दोनों जगहों पर उन्हें पंजाब पुलिस की विशेष सुरक्षा प्राप्त है। वही केंद्र सरकार ने करीब एक सप्ताह पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जेड प्लस सुरक्षा प्रदान करने की मंजूरी दी थी और पूरा सुरक्षा कवच प्रदान करने को कहा था। वही केंद्र ने सीआरपीएफ को निर्देश दिए थे कि वह पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को तत्काल प्रभाव से अखिल भारतीय आधार पर जेड प्लस सुरक्षा कवर प्रदान करे। आपको बता दें कि पंजाब पुलिस सुरक्षा के अलावा जेड सुरक्षा कवर मुख्यमंत्री के घर और परिवार के करीबी सदस्यों को सुरक्षित रखने के लिए स्वीकृत किया गया था। वही सीमावर्ती राज्य में खालिस्तान गतिविधियों के मद्देनजर मुख्यमंत्री के खतरे की धारणा पर रिपोर्ट तैयार करने के दौरान केंद्रीय खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा मान के लिए इस तरह की सुरक्षा कवर की सिफारिश की थी। वही सीआरपीएफ द्वारा इनके लिए 55 सशस्त्र जवानों की एक टीम सीएम भगवंत मान के घर भेजी जा रही थी। गौरतलब है कि मार्च में भगवंत मान की बेटी को कथित तौर पर खालिस्तान समर्थकों तत्वों द्वारा भरे धमकी भरे फोन आए थे। वहीं पटियाला के एक वकील ने दावा किया था कि अमेरिका में रहने वाले भगवंत मान की बेटी सीरत कौर मान को खालिस्तान समर्थक तत्वों के कथित तौर पर फोन किया और अब शब्द कहे। यह घटना पंजाब में स्वयंभू सिख उपदेशक और वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल और उसके सहयोगियों पर कार्यवाही के दौरान सामने आया था। वहीं राज्य पुलिस ने अमृतपाल को गिरफ्तार करने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी और घेराबंदी अभियान चलाया था, जिसके बाद उसे मेगा से आत्मसमर्पण कर दिया था। वहीं सीएम भगवंत मान की सुरक्षा टीम ने गुरुवार को केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा था कि उन्हें पंजाब और दिल्ली में जेड प्लस सुरक्षा की जरूरत नहीं। इसके लिए उन्होंने पंजाब और सीएम की सुरक्षा की स्पेशल टीम काफी है। इस फैसले की वजह बताते हुए चिट्ठी में लिखा गया कि पंजाब और दिल्ली में दो सुरक्षा चक्र होने के चलते समस्या हो सकती। बीते 25 मई को केंद्र सरकार ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जेड प्लस सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया था। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह फैसला वीआईपी सुरक्षा से संबंधित खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर लिया था। बताया जा रहा है कि जेड प्लस सुरक्षा के तहत सीएम भगवंत मान की सुरक्षा में 55 कमांडो तैनात होने वाले थे, जिनमें से 10 से ज्यादा एनसीजी कमांडो शामिल होते। केंद्रीय गृह मंत्रालय को खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन के चलते सीएम भगवंत मान की जान को खतरा बताया गया है। तो ऐसी ही बड़ी खबरों पर बनी रहेगी हमारी नजर। देखते रहिए।